यहाँ मैं मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए आया, तो यहाँ की व्यवस्था खिंडी पड़ी है। मतलब ये अधिकारी है जो अंदर बंद कमरे के अंदर जो मीटिंग बना लेते हैं कि हाँ ये कार्य करेंगे वो कार्य करेंगे, निकल इनके कार्यों में कोई भी मतलब खुश नहीं है लोग। क्यों? क्योंकि हद से ज्यादा भीड़ का इलाका है और चोरी चक्की ज्यादा होती है। किसी का फोन जाए, और मेरे दो चार दिन पहले मेरे फादर का मोबाइल चोरी हो गया है, तो इसी भीड़ के कारण ही होता है। आजकल व्यवस्था हमारे सही नहीं बनी। चाहे यहाँ पे कोई भी बोर्ड लगा दे, सरकार कुछ भी बोल दे, निकल यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आम जनता को बस यही चीजें भुगतानी पड़ती है, कभी चोरी कोई नशेड़ी आ जाए या कुछ भी आ जाए। तो मेरे सरकार से ये गुजारिश है कि इन चीजों को जल्द से जल्द हल किया जाए। अभी तक तो हमने देखी नहीं है। अभी मैंने बताया जिस हिसाब से मैं अभी मार्केट में हूँ सामान लेने के, यहाँ पे मेरे खड़ने का जी नहीं कर रहा। इतनी ज्यादा भीड़ इलाका है, कल को कोई फोन चोरी होने का भी डर है। मतलब एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है हमें। नहीं, अभी तक तो हमने देखे नहीं है। बस वो कभी मीटिंग करते हैं तब इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी इतना कोई गौर नहीं करता। ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल ही नकारा है। जगह जगह ट्रैफिक अपने मन मर्जी से रुक जाते हैं और ना कोई आगे ना पीछे। जो पार्किंग की जगह रेलवे स्टेशन पर बनाई है वहाँ कोई जाता नहीं है। तो बाजार के अंदर शाम के टाइम रेहड़ी है, टेम्पू अपनी मनमर्जी से रुक जाते हैं और व्यवस्था बिल्कुल बुरा हाल है। व्यवस्था का पालना करना नहीं आता है। ठीक है, अभी सुबह एक अधिकारी आया था तो उनको उन्होंने निकाल के भगा दिया, तो कोई उसकी पालना नहीं हो रही है। हाँ, इस पर रेहड़ी बहुत है। शाम के टाइम तो निकलना दुर्भर है, वहां से निकला ही नहीं जाता। आदेश दे देते हैं, वो उसकी पालना तो होती नहीं है। कोई अधिकारी आके उसकी पालना ना उसको जांच करते हैं, कुछ नहीं करते। मेरा नाम विक्रम सिंह रामगढ़िया, युवा परिवार वेलफेयर फाउंडेशन का अध्यक्ष। लेप्सा में एक पहल करके नॉन वेंडिंग जोन के यहाँ बोर्ड लगाए हैं। बाजार में संगरिया रोड पर भगत सिंह चौक के आसपास व्यस्त एरिया के अंदर लगाए हैं, परंतु उनकी कोई भी पालना नहीं हो रही है। आज के टाइम में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ कोई कानून व्यवस्था या इसी चीज की कोई नाम नहीं है। ट्रेन से आने वाले या मार्केट आने वालों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ एक बोर्ड लगा के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है, परंतु कोई भी अधिकारी या कोई भी इसके प्रति सीरियस नहीं है अपने कार्य के प्रति। सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। और तो और आजकल आवारा पशु भी यहाँ घूम रहे हैं और रेडियो की वजह से उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रेन के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ कोई पैर रखने की जगह नहीं है। सो यही है कि यहाँ व्यवस्था बनानी चाहिए। ये नॉन वेंडिंग जोन के बोर्ड लगाए हैं तो उनकी अनुपालना भी करनी चाहिए। खाली बोर्ड लगा देने से तो कोई मानने वाला नहीं है। इसके पीछे अवेयर करना चाहिए जनता को और यहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। ये भगत सिंह चौक के आसपास खड़े रहते हैं जो जितने भी कर्मचारी है किसी भी विभाग के हैं। आगे स्टेशन रोड की तरफ जाने का किसी को ना ही तो टाइम और ना ही कोई जाने का जाना चाहता है इस चीज के लिए, या बस स्टैंड रोड पर भी कोई जाना नहीं चाहता। रेडियो से और इनसे व्यवस्था खराब हो रखी है सर।